तो वहीं हरियाणा में अभी लू के प्रकोप के चलते पारा सामान्य से ऊपर जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 5 दिन हरियाणा में लू चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को घरों से कम बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इस साल अप्रैल महीने में ही गर्मी ने अपना रूप दिखाना भी शुरू कर दिया है। तो हरियाणा में अभी लू का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। देखिए दिल्ली में जहां पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है, तो वहीं अब सितम हरियाणा में भी जारी है। हिसार की बात करते हैं तो 43, सिरसा में भी वही स्थिति बनी हुई है। जींद में भी पारा 40 के पार चल रहा है। रोहतक भिवानी में भी वही स्थिति बनी हुई है। चरखी दादरी की बात करते हैं तो 43 पारा पहुंच चुका है। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में भी परेशानी वही लोगों को झेलनी पड़ रही है। झरझर, नूह और पलवल की स्थिति भी बिल्कुल वही बनी हुई है। ऐसे में गुरुग्राम, अंबाला, यमुनानगर की बात करते हैं तो यमुनानगर में जरूर 41 और अंबाला में भी 41 पारा देखने को मिला। सोनीपत, पानीपत में 42, फरीदाबाद में 43 के पार ये आंकड़ा पहुंच रहा है। कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो 41 और पंचकुला में 39 पारा पहुंच चुका है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा और दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकुश डोबल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली का जो पारा है वो 42 डिग्री के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, आप भी ग्राउंड जीरो पर खड़े हुए हैं, क्या कुछ स्थिति अभी देखने को मिल रही है, किस तरीके से लोग लू से अपने आप का बचाव कर पा रहे हैं? बिल्कुल प्रद्युम्न, देखिए जिस तरह से गर्मी दिल्ली में बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही है, और इस बरसती आग से लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं, और बढ़ती गर्मी ने आम आदमी की जो परेशानी है वो बढ़ा दी है। और दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तापमान 42.6 के पार जा चुका है। सफदरजंग इलाका जो दिल्ली का है वहां पर तापमान बीते कल की अगर बात करें तो 41 डिग्री के आसपास था, और आज की अगर बात करें तो 42 डिग्री तक ये तापमान जाता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले 2-3 दिनों के लिए रेड अलर्ट हीट वेव का जारी किया गया है। लोग जो है कहीं ना कहीं अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने भी ये हिदायत जारी की है कि अगर बहुत जरूरी हो तो ही दोपहर के समय घरों से बाहर निकले, और जो तमाम लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं उनके हाथों में वाटर बॉटल के साथ साथ जूस या फिर वो शिकंजी की दुकान पर खड़े नजर आते हैं। इसके अलावा जो तमाम लोग अपनी गाड़ियों से जा इधर उधर जाते हैं वो भी एसी का सहारा लेकर जा रहे हैं, यानी कि गर्मी लगातार बढ़ रही है। और बीते महीने की अगर हम बात करें तो रात के समय जो है वो कुछ हद तक राहत जो मिल रही थी वो अप्रैल के महीने में राहत शाम के समय भी खत्म हो चुकी है। रात के समय भी लगातार जो ह्यूमिडिटी है वो दिल्ली में महसूस की जा रही है, और इससे आम लोगों की परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच जो तमाम लोग अपने रोजगार के लिए इधर उधर जाते हैं उनके ज्यादा समस्या जो है उनके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है प्रद्युम्न। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 3 दिन का यहाँ पर अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि 3 दिन अभी पारा और बढ़ सकता है। ऐसे में भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, भिवानी की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, गर्मी का प्रकोप किस तरीके से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रद्युम्न, आपको बता दूं कि भिवानी में भी गर्मी जो है काफी पड़ रही है। हालांकि भिवानी जो है वो बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर से टच होता है, इसलिए गर्मी का प्रकोप जो है काफी ज्यादा है। डॉक्टर्स भी बार बार लोगों को हिदायतें दे रहे हैं कि गर्मी जिस समय हो उस समय घर से बाहर ना निकले, अगर निकलना भी पड़ता है तो सर के ऊपर कपड़ा जो है वो जरूर रखे ताकि गर्मी का प्रकोप डायरेक्ट जो है वो ना पड़े। वहीं जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो भी लगातार जो है हिदायतें दे रहे हैं लोगों को, साथ ही जिस प्रकार से कृषि वैज्ञानिकों ने भी साफ तौर पर कहा कि गर्मी अगर ज्यादा पड़ती रही तो फसलों को भी काफी नुकसान होने की संभावना है। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि सब्जियों की फसलें जो है वो भी नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा हो चुकी है क्योंकि गर्मी जो है वो ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में पानी की ज्यादा जो है वो जरूरत जो है फसलों को होती है, ऐसे में अगर पानी कम हुआ तो फसलें जो है वो सूखने के आसार रहते हैं। वहीं गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल भी जो है गर्मी ज्यादा पड़ रही है उसकी वजह से अभी से ही पक करके तैयार हो चुकी है, जिसकी वजह से जो दाना है वो दाना काफी छोटा रह गया है। काफी परेशानियां जो है आने वाले समय में किसानों को झेलनी पड़ सकती है। वही पशुपालक भी काफी परेशान है क्योंकि गर्मी अधिक पड़ने से जो दुधारू पशु हैं उनके दूध में भी काफी कमी आ चुकी है। काफी परेशानियां जो है आमजन को भी इस समय झेलनी पड़ रही है, और आने वाली जो गर्मी का प्रकोप है और भी अधिक पड़ने की संभावनाएं इस प्रकार से जताई जा रही है, तो काफी गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 12 बजे का जो समय है उसके बाद से पारा बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में अंकुश, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और दिल्ली की खासतौर पर बात करते हैं तो अभी 3 दिन पारा और बढ़ेगा, खासतौर पर लू का जो प्रकोप है उससे दिल्लीवासी सबसे ज्यादा परेशान होने वाले हैं। ऐसे में आपके पीछे भी कई लोग हैं, उनसे जरूर बात एक बार कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से बचाव वो लोग कर पा रहे हैं अपना गर्मी से। बिल्कुल प्रद्युम्न, देखिए इस समय मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद हूँ, और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने रोजगार के लिए यहाँ पर आते हैं, उनसे हम आपकी बात करवाएंगे, आपसे जानना चाहेंगे बढ़ती हुई गर्मी
कितने परेशानी बढ़ाई इस गर्मी ने आप? यार गर्मी पे बात करोगे, यहाँ बच्चे कैसे पाले उस पर बात ही नहीं कर रहे हो आप लोग। अगर बच्चों की रोजगार का संकट है, उसी से जोड़कर हम इस बात को आपके सामने पूछने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार का संकट है वो सभी जानते हैं, अर्थव्यवस्था भी सही हालत में नहीं वो भी हम जानते हैं, लेकिन गर्मी के बीच में किस तरह से मुश्किल होती है ये आपसे जानना चाहेंगे। ये भी रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि ये गर्मी कोई रोजगार से मसला जुड़ा हुआ नहीं है। आज इतना टाइम हो गया मुझे, 20-25 साल हो गए, अराउंड 1993 से मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ, अब तक गर्मी का कोई मसला नहीं आया, हम बेचते खाते थे। लेकिन अब मसला है कि जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो आप हमसे कहाँ सामान खरीदोगे। गर्मी कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि कल आपको 50,000 तनख्वाह मिल रही थी तो आप आराम से घर चला रहे थे, 20-25,000 खर्चा भी कर रहे थे। आज आपको तनख्वाह ही नहीं मिल रही है तो अपने घर को क्या चलाओगे, हमारे से क्या खरीदोगे? गर्मी पता ही नहीं चलता गर्मी है, जब बढ़ती गर्मी है, सूरज इतना ज्यादा तप रहा है, इससे रोजगार में कितनी परेशानी होती, क्योंकि अभी पूरा कनॉट प्लेस इलाका खाली नजर आ रहा है। अगर भीड़ यहाँ पर होती तो लोग जो है यहाँ पर ग्राहक जो है सामान खरीदते नजर आते, वो सवाल मेरा आपसे। हाँ वही सवाल है, सवाल ये है, ये देखो बात सुनो, गर्मी तो है गर्मी है, दूसरी बात की ना लोगों के पास है ना पैसे नहीं है, पैसे नहीं है इसीलिए भाई साहब और नहीं आ रहा दिल्ली में लोग। अभी गर्मी से रोजगार कुछ संकट है या नहीं? संकट है भाई साहब, पर इतनी नहीं है गर्मी, इससे भी गर्मी ज़्यादा हमने बर्दाश्त करी है, ऐसी बात नहीं पटरी पे। और पटरी से लोग बाग इससे बड़ा है ना, आपको कोई जवाब देने वाला इंसान मिलेगा नहीं पटरी में, जो बेचारा धूप में रहा, कंधे पे बजान लेके घुमा, रुमाल से पसीना पहुंचा, एक अलग से गमछा भी रखना पड़ा। प्रद्युम्न, आपने सुना कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सवाल वो उठा रहे हैं, क्योंकि एक जमीनी हकीकत है और लोग चाहते हैं कि इस बात को भी सामने रखा जाए, लेकिन जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, कनॉट प्लेस इलाका जो हमेशा लोगों से भरा रहता है वो खाली नजर आ रहा है, और ये वजह है कि रोजगार का संकट यहाँ पर लोगों के लिए नजर आ रहा है। प्रद्युम्न, बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र, जिस तरीके से परिस्थिति लगातार बनी हुई है, गर्मी से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, परिस्थिति भी कैसी बन रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर रिवाड़ी की अब इस बार बात करें तो अभी 12 बजे का समय हुआ है और यहाँ 42 के आसपास टेम्परेचर है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत किस किधर से है। एक तरह से कहें कि आग बर्फ कार के, तो इसमें कहीं दोराई नहीं। सबसे ज्यादा अगर कहीं दिक्कतें हो रही है तो वो फसल के भी नुकसान है, सब्जी की जो फसल है उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, साथ साथ जो गेहूं की फसल है वो भी समय से पहले यहाँ पक गई, ऐसे में किसानों की माथे पर भी चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। अगर इस बच्चे की बात करें तो जहाँ मैं खड़ा हुई रोड है, यहाँ आज भीड़ भाड़ वाला ये क्षेत्र, लेकिन अब आप देख रहे 12 बजे बाद ही यहाँ एक इंसान इक्का जो गाड़ियां यहाँ आप देखने को मिल रही है कि आप जैसे यहाँ नजर आ रहा है आपको तरीके से, ऐसा यही का नहीं पूरे बाजार को, अगर बर्फी के बदले की बात करूं तो स्थिति इसकी कदर है, यहाँ जो है लगातार जा रही है। चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगा, ठीक है, चलिए ठीक है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए जिस तरीके से सुरेंद्र इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि फसलों पर जो गर्मी का असर है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अगर किसानों की बात करते हैं तो अभी खेतों की स्थिति किस तरीके की बनी हुई है, क्योंकि अभी गेहूं की फसल का सबसे ज्यादा समय चल रहा है। बिल्कुल, पर जो मैं बता दूं कि जिस प्रकार से गेहूं का जो है मौसम आया, हालांकि पहले जो है गेहूं 15 तारीख के बाद से कटाई होती थी, लेकिन इस बार गर्मी अधिक पड़ने के कारण गेहूं पक चुकी है, हालांकि जो दाना है वो काफी छोटा है, जिसकी वजह से खासी परेशानी आने वाले समय में किसानों को करनी पड़ सकती है, झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जो उपभोक्ता है वो भी इन चीजों को खरीदता है वो काफी देख करके खरीदता है, क्योंकि गेहूं का अगर दाना छोटा रह जाएगा गर्मी अधिक पड़ने के कारण तो किस प्रकार से जो रेट है वो उन लोगों को मिलेंगे। हालांकि सरकारें भी लगातार जो है जोर विश से लगा रही है, लेकिन परेशानियां जो है आने वाले समय के अंदर किसानों को झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि गर्मी अधिक होने की वजह से, आपको बता दूं कि जो सब्जियों की फसलें हैं, सब्जियों की फसलें भी काफी खराब होने की संभावना है, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ने के कारण सब्जियों को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है, अगर पानी उन्हें प्रतिदिन नहीं मिलेगा तो वो भी सूख जाएंगी, जिससे सब्जियों के रेट है वो भी अधिक होने की संभावनाएं जो है वो जो है कृषि वैज्ञानिक जता रहे हैं। उनका लगातार कहना है कि किसानों को जो है प्रतिदिन अपनी जो फसलें हैं उन्हें पानी देना चाहिए, लेकिन इतना पानी जो है इस मौसम में आना भी काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नहरें जो है वो काफी कम आती हैं, उसकी वजह से परेशानियां जो है आने वाले समय के अंदर झेलनी पड़ सकती है। वहीं दुधारू पशुओं के जो पशुपालक हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि
अधिक गर्मी की वजह से जो पशु है उनका जो दूध है वो भी काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से और दिक्कतें जो है वो पशुपालकों को भी आने वाली। चलिए ठीक है दीपक, अंकुश और सुरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो गर्मी का जो सितम है वो आपने देखा, हमारे तीन संवाददाता हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बताया कि गर्मी के प्रकोप के चलते परेशानी बरकरार बनी हुई है। अभी तीन दिन और गर्मी का प्रकोप इसी तरीके से दिल्लीवासी, हरियाणावासी और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को परेशान अभी करेगा। ये पारा आप देख रहे हैं, हरियाणा में गर्मी का सितम जारी है, पारा आप अपनी तस्वीर पर देख पा रहे हैं, टेम्परेचर में लगातार इजाफा हो रहा है और आने वाले अभी दिनों में और इजाफा दर्ज किया जा सकता है, जिसके चलते लगातार डॉक्टर भी ये सलाह दे रहे हैं कि अगर घर से बाहर आप जा रहे हैं तो पानी पीकर अवश्य जाएं और साथ ही साथ सिर को बांध के जाएं।